हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग कुछ बना रहे हैं। हम लोग दादी के घर आए हैं। हम लोग सुबह उठ के मम्मी ने सबको नाश्ता कराया था, ऑमलेट वगैरह सबने खाया, सैंडविच खाया, मैंने पराठे खाए और अब कुछ नया बन रहा है। और आई गेस काफी लोगों को पता होगा और काफी को नहीं पता होगा। बताना कि क्या बन रहा है। हाँ, तो आप लोग हमें बताओगे वीडियो कंप्लीट होने से पहले कि हम क्या बना रहे हैं। ये चावल से कुछ बन रहा है, मैं दिखा देखती हूँ क्या बन रहा है। रुक जाओ एक मिनट। ये सारे सीक्रेट क्या बन रहा है। क्या बैक कैमरा करेगी तब सबको ज्यादा पता चलेगा। ऐसे करते फिर भी आ जाएगा तू बैक कर। क्या क्या बन रहा है चाची। अब सबको बताना पड़ेगा ना कि अब सब बताएंगे, मैं क्यों बताऊं, फिर सस्पेंस क्या रह गया। ये चावल के उससे बन रहा है, आटे से, और वो पेस्ट है। अब गेस कर लो क्या है। बैक कैमरा कर फिर सबको दिखेगा। ओके सुबह उठ के सब ये मेरी एक फ्रेंड इसको मोमो स्टाइल कहते हैं, इंडियन मोमोज। ये देसी मोमोज है यूपी का, ये समझ लो। और क्या, मोस्टली अगर चटनी बना दो उसके साथ खाओ तो कुछ मिलता जुलता ही टेस्ट आएगा। और क्या, मैं तो मेरे से तो बड़ा ही बन जा रहा है। कर देती हूँ एक्चुअली, मैं बड़ा वाला ही बनाती हूँ ना, तो इसलिए मेरी आदत भी वैसे। फिर उसके बाद हम शाम को घर आ गए थे। ये नेक्स्ट डे का है, उसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया। मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी, और मैंने बनाई है मटर मशरूम की सब्जी, और उसके साथ बना रही हूँ बाजरे की रोटी लंच में, क्योंकि उस दिन हमने वही बनाया था। फिर उसके बाद तो फिर सबको बस वही, ऐसा कुछ था नहीं। फिर सब टाइम से सब शाम को निकल गए थे, हम लोग घर चले आए थे। तो बस इसी ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू कर लिया। मैंने कहा कि एटलीस्ट वहाँ पे पूरा नहीं बन पाया, तो फिर मैं वो चीज़ आप लोगों से वो नहीं करना चाहती। मैंने सोचा शेयर तो करूँ, क्योंकि फिर पहले तो मुझे लगा वो क्या डालूँ, इतना सा था एक दो मिनट का। मैंने कहा चलो उसी ब्लॉग को कंटिन्यू कर देती हूँ। तो बस आज बाजरे की रोटी, मुझे याद है मम्मी बाजरे की रोटी बनाती थी ना, बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि जोधपुर में रही हूँ तो बहुत मज़ा भी आता था खाने में, तो अच्छा भी लगता था। इसलिए बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है, खासकर ठंड में तो बहुत ही अच्छी लगती है और फ़ायदेमंद भी। तो अभी बन गया है लंच, और मैं लंच करने जा रही हूँ। और ये कल वाला ही ब्लॉग कंटिन्यू है, क्योंकि फिर उसके बाद हम बना नहीं पाए, बातें करने लग गए थे। बट टू डेज हमको बहुत 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 मज़ा आया। मज़ा आना ही है, क्योंकि जब फैमिली इकट्ठी होती तो आप लोगों को भी पता है कि चीज़ें अच्छी लगती है, कि सबके सब। मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, वो भी चली गई, और बाकी सब लोग तो थे ही, हम लोग भी यहाँ से चले गए थे। तो फिर हम लोग भी वहाँ पे इतना इंजॉय किया ना, मन ही नहीं हो रहा था आने का। पता नहीं क्यों नहीं होता है, जब सब जन इकट्ठे हो जाते तो वैसे भी इच्छा नहीं होती कि चलो वापस चलो, बट आना तो था ही। आपको पता, मैं इसका ऑफिस भी था, टू डेज के लॉकडाउन के बाद वीकेंड लॉकडाउन दिल्ली में लगा हुआ है, तो आप लोगों को पता ही है कि कितना काम हो जाता है जब दो दिन की छुट्टी के बाद। वैसे भी बहुत सारा काम हो जाता है, उनको ऑफिस भी जल्दी जाना था, तो इस अकॉर्डिंग हम तो वैसे रात में ही आ गए थे, और सिस्टर इन लॉ सुबह गई हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग घर पे आ गए, और लेकिन टू डेज बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब मैं जा रही हूँ लंच करने। लंच में मैंने बनाया मटर मशरूम की सब्जी, और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि आयु माही को बहुत पसंद है, इवन महेश को भी आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो मोस्टली यही होता है ना फैमिली में, कि बच्चों के और इन लोगों की पसंद के ज़्यादा बनते हैं, तो फिर इसी अकॉर्डिंग मैंने आलू के पराठे बनाए। तो फिर और दोपहर में मैंने बनाया था मटर मशरूम की सब्जी और बाजरे की रोटी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ठंड में वैसे अच्छी भी होती है, काफ़ी गर्म होती है तो अच्छी वैसे भी होती है, टेस्टी भी होती है, और गेहूं के अकॉर्डिंग ज़्यादा बाजरे की रोटी अच्छी होती है। जब ऑब्वियसली मुझे बाजरे की रोटी वैसे भी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं राजस्थान जोधपुर में रहती थी, तो वहाँ पर ये मतलब बाजरे की रोटी लोग बहुत खाते हैं। अगर जो भी राजस्थान से है उनको पता होगा कि वहाँ बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसलिए मुझे वही स्टार्टिंग में बहुत सारे खाई भी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन मैं आपको बताऊँ, मेरी मम्मी बनाती थी, मम्मी बाजरे की रोटी बनाती थी, और उसके साथ ना कढ़ी, राजस्थान में ना कढ़ी बनती है पतली और खट्टी खट्टी, बहुत खट्टी बनती है, मतलब इतनी अच्छी बनती है। तो मेरी मम्मी ना कढ़ी बनाती थी और ये बाजरे की रोटी, मुझे याद हमने इतनी खाई ना, और फिर इसका चूरमा, वो घी खूब सारा डाल के, गुड़ डाल के, तो इतना मतलब यम्मी और इतना टेस्टी लगता था, बहुत मज़ा आता था।
तो मम्मी जितना बढ़िया तो मुझसे नहीं बनती, क्योंकि मेरी रोटी है ना छोटी बनती है। मम्मी तो बड़ी बड़ी बना लेती थी तवे के अकॉर्डिंग, तवे जितनी, पर मुझसे नहीं बन पाती। पर जितनी बनती है मैं बनाती जरूर, मुझे बहुत टेस्टी लगती है तो इसलिए मैं बनाती हूँ इसको, और मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने सोचा मैं यही बनाऊँ, तो मैंने बनाया। अब जा रही मैं खाने, उसके बाद देखो ठंड बढ़ गई है पर ठीक है, इतनी भी नहीं बढ़ी है। तो चलिए गाइस, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बनाने जा रही हूँ टमाटो, टमाटर और गाजर का सूप, और इसमें मैंने ये डाले, इसको बॉईल कर लिया। अभी मैं इसको मिक्सी में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी सूप सिंपल सा, क्योंकि आज मेरा सूप का मूड हो रहा है। तो बस मैं अपने लिए और मैं इसके लिए सूप बनाने जा रही हूँ, और बच्चों के लिए बनेगा पीले वाले चावल, क्योंकि उन दोनों खाना है और ब्यूटी का है। रात हो चुकी है गाइस, मतलब डिनर का टाइम है, बट इतना पेट हैवी सा लगता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं। नेल पेंट पीछे के डब्बे के कलर से मैच हो रहा है ना मेरा नेल पेंट, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो मैच हो गई। सो अभी मैं जा रही हूँ सूप बनाने, क्योंकि मेरा सूप पीने को मन हो रहा है, और फिर डिनर में बनेगा पीले वाले चावल। अगर मूड होगा तो मैं खा लूँगी। मैं इसने बोला मुझे नहीं खाना, क्योंकि उन्होंने बोला मैं लंच ही शाम को लेट किया हूँ, तो उसके बाद 5 बजे तो उन्होंने लंच किया, तो ऑब्वियसली इतने जल्दी किसी से खाया नहीं जाता, तो अभी इसलिए उन्होंने बोला सूप बना दो, तो मैं सूप बना लूँ, बाकी पीले वाले चावल बनाऊँगी। मैं या ब्यूटी दोनों में इसको ही बना देगा, क्योंकि आई माई को बहुत ज़्यादा क्या दिखा रहा है पता नहीं, कुछ मैसेज आया। सो अभी जा रही हूँ सूप बनाने, ठंडा हो गया, फिर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। एंड देन आज ब्यूटी का फास्ट है, तो ब्यूटी को कुछ खाना पीना नहीं, मतलब वैसे खाएगी पिएगी। और माही मैडम पढ़ाई कर रही हैं। नेल पेंट का कलर वैसे अच्छा लग रहा है, पर मेरी देखो, मैं इधर से पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, ये वाली देखो खराब हो गई, क्या कर सकते, काम करते तब हो भी जाती है खराब। अभी मैं उसको वापस से हटा के वापस से लगा के फिर करेक्ट कर लूँगी। सो अभी जा रही हूँ मैं सूप बनाने। सूप हो चुका है मेरा रेडी, और बस फटाफट गरम गरम सूप, बोले ठंड में गरम गरम सूप पीने का मज़ा ही अलग होता है। अभी माई को पसंद ही नहीं है, तो मुझे, मैं इसको और ब्यूटी को पसंद, ब्यूटी पीना नहीं। चुके हैं रात के 10:30 और हम जा रहे हैं सोने, और इस ब्लॉग का एंड भी करने। वैसे तो मोटोरोला नहीं, मोटोरोला होता है, आई हूँ, मोटोरोला होता है ऐसे, मैंने आपको आई एक टीवी बताया। देख रहा था, जब हमारी टीवी खराब, हम टीवी मंगा रहे थे, तो पहले मैं इसने देखी थी, लेकिन हमने दूसरी एमआई की मंगाई थी, तो आज आई उसका नाम लेने की कोशिश कर रहा, पर उसको नाम नहीं आ रहा, मोटोरोला, मोटोरोला मोटोरोला। मोटोरोला निकल रहा है। मोटोरोला की है। सो गाइस, चलिए इस ब्लॉग का यहीं एंड करते। आई लाइक सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन शेयर कर दीजिए, और भी कुछ कहना चाहेंगे प्रभु? बस शेयर कर देना। मुझे क्यों स्माइल दे रहा है? तब तक के लिए बाय 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 बाय, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे स्टे होम, होम, स्टे होम, कोविड से स्टे होम, स्टे सेफ। लाइन खराब कर दी। बाय बाय। बाय।